हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप से रिलेटेड अन्य फीचर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले ही मैंने व्हाट्सएप से रिलेटेड दो वीडियोस बना दी हैं। यदि वे वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि व्हाट्सएप में आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो वो सिंपली टाइप होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट लिखें उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यानी जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं, यानी जो अक्षर या अल्फ़ाबेट आप लिख रहे हैं उनका आकार मोटा हो जाए, तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टार को प्रेस करेंगे, उसके बाद वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसे आप बोल्ड करना चाहते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको फिर से स्टार साइन को प्रेस करना है। इस प्रकार आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो इटैलिक हो, यानी थोड़ा तिरछा लिखे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डैश लगाना चाहिए पड़ेगा और फिर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसे आप इटैलिक लिखना चाहते हैं, और फिर से डैश साइन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा लिख जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बीच से कट हो जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइल साइन को प्रेस करना है, उसके बाद जो टेक्स्ट लिखना है आपको वो आप टाइप कर देंगे और उसके बाद फिर टाइल साइन पर जाएंगे, तो इस प्रकार आप अपने टेक्स्ट को बीच से कट कर सकते हैं। तो आप इन सभी फॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं अपनी चैट में। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी पर्टिकुलर मेंबर को कोई मैसेज या टेक्स्ट सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली अपने सर्च बॉक्स में @ टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप @ टाइप करते हैं तो उस ग्रुप से रिलेटेड पूरे मेंबर्स की लिस्ट शो होने लगती है। आप जिस भी मेंबर को पर्सनली मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लीजिए और उसके बाद अपना मैसेज टाइप कर दीजिए जो आप भेजना चाहते हैं और सेंड की पर प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार ये मैसेज सिर्फ उसी मेंबर को शो होगा जिसे आपने पर्सनली चूज़ किया है, बाकी ग्रुप के अन्य मेंबर्स इस मैसेज को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा यदि आप नंबर के माध्यम से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टेक्स्ट या मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो उसे चूज़ कर लीजिए और अपना मैसेज टाइप करके उसे भेजा दीजिए। इस प्रकार वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही वो पर्टिकुलर मैसेज देख पाएगा, बाकी के मेंबर्स ग्रुप के उस मैसेज को नहीं देख पाएंगे। यदि आपने व्हाट्सएप में कोई ग्रुप क्रिएट किया है, यानी कि आप उस ग्रुप के एडमिन हैं और आप चाहते हैं केवल आपके द्वारा ही, यानी एडमिन के द्वारा ही उस ग्रुप में मैसेज सेंड किया जा सके, ग्रुप के अन्य मेंबर कोई भी मैसेज या टेक्स्ट उस पर सेंड ना कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले 3 डॉट पर जाएंगे, उसके बाद ग्रुप इन्फो पर जाएंगे और ग्रुप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेंड मैसेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओनली एडमिन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर केवल आपके द्वारा ही उस ग्रुप में मैसेज भेजा जा सकता है, बाकी के मेंबर्स कुछ भी टेक्स्ट या मैसेजेस उसमें सेंड नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने ग्रुप में एक से ज़्यादा एडमिन क्रिएट करना चाहते हैं, किसी को बनाना चाहते हैं एडमिन, तो उसके लिए आप सब सिंपली नीचे वाले ऑप्शन एडिट ग्रुप एडमिन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। जिसे भी आप एडमिन बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसे एडमिन बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी व्हाट्सएप चैट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेंड करते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी चैट मीडिया के साथ या विदाउट मीडिया के डायरेक्ट उसके पास सेंड हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी चैट को भेजना चाहते हैं उसे ओपन करेंगे और उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, मोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और एक्सपोर्ट चैट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, इंक्लूड मीडिया विदाउट मीडिया। आप जो चैट शेयर करना चाहते हो उसमें आप मीडिया को इंक्लूड करना चाहते हैं या विदाउट मीडिया के साथ, तो सबसे पहले आप इसे चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से और
आपके पास बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे। इन मेथड्स के माध्यम से आप अपनी चैट को शेयर कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप जैसे चुनेंगे तो आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। आप जिसको भी ये चैट भेजना चाहते हैं उसे चूज़ कर लेंगे और सेंड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी चैट उसके पास चली जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी चैट को आसानी से शेयर कर सकते हैं। यदि आप किसी को अर्जेंटली मैसेज सेंड करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आप व्हाट्सएप में ऑनलाइन थे और आपका स्टेटस किसी को पता ना चले, इसके लिए आप गूगल असिस्टेंट का उपयोग कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले उसे ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन करते हैं। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, हु डू यू वांट टू मैसेज। यहाँ पर गूगल आपसे पूछता है कि आप किसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स उसे चूज़ कर लेंगे जिसे भी आप पर्सनली मैसेज सेंड करना चाहती हैं। और चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर देंगे और उसे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद ये मैसेज डायरेक्टली उसके पास पहुँच जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है और आपको ऑनलाइन जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो है ना कमाल का फीचर, इसे ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।